अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भुना हुआ मटन मसाला। ये 1 kg मटन है। देखिए अच्छे से वॉश कर ली मैं, कर लेके कुकर में डाल दी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 teaspoon, सॉल्ट है 1 teaspoon, लाल मिर्च पाउडर है 1 teaspoon, हल्दी पाउडर है 1 teaspoon। देखिए अब ऑयल डाल देना है, 2 tablespoon ऑयल। अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए वाटर डाल देना है, 1 गिलास पानी डाल देना है। एक किलो गोश्त में 1 गिलास पानी डाल दीजिए। देखिए कुकर लगा दी थी मैं 1-2 सीटी के बाद। देखिए मटन अच्छे से गल गया। अब ये पानी पूरा सूखना है, गल गया अच्छे से। अब क्या करना है, 1 बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी मैं, ये चॉप करके डाल दी इसमें। देखिए ढक्कन लगाना नहीं है, ऐसी रख दी मैं। पानी पूरा सूख जाना है। देखिए प्याज भी और मटन भी अच्छे से पूरा सूख गया, इस टाइप का हो जाना। देखिए कढ़ाई ले लेना है, उसमें ऑयल डाल देना है 2 टेबल स्पून। ऑयल गरम होने के बाद ये मटन इसमें ऐड कर देना है। फुल फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, इसमें गरम मसाला वही कुछ नहीं ऐड करना है, खाली काली मिर्च। देखिए स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का बनता है मटन मसाला। देखिए हरी मिर्च है, करिया पक है, पुदीना और हरा धनिया है, पूरा हरा मसाला है, ये सब ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है, ये 1/2 लेमन बताई थी ना मैं, इसका इसमें ऐड कर देना है जूस। देखिए बहुत भी बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ। देखिए ये पूरा साइडों से ऐसा निकाल देना है, बहुत मज़े का होता मटन। चलिए फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह।